हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जाम से की मेरा विश्वास है आप सब जन मसीह में ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे, आनंदित होंगे और आने वाले समय में परमेश्वर आपको ब्लेस्ड रखेगा और आप सब परमेश्वर में आनंदित रहा करें। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज की वीडियो जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जैसे कि आपने थंबनेल में टॉपिक का तो देख ही लिया होगा आज की वीडियो का जो भी टॉपिक है, और शुरुआत में जो आपने वीडियो देखी, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो पठानकोट जिले की जो कि वीडियो है, और परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से आपको पता है कि हमारे जो ब्रदर जो कि जितेंद्र मसीह गौरव जी हैं जो कि एक्शन ग्लोबल कमेटी के प्रधान हैं, और वो और हमारे जो कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के चुने हुए दास जो कि पास्टर हरजी संधू जी और एक्शन कमेटी की सब टीम मिलकर जो कि अब पठानकोट में पहुंची, और पठानकोट में एक बड़ी परमेश्वर की महिमा के लिए जो कि मीटिंग की जा रही है। हालेलुया। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कि कल जिला पठानकोट में ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की टीम द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एक्शन कमेटी के पास्टर विंग के अध्यक्ष पास्टर हजीर संधू जी, जूथ विंग एक्शन कमेटी के अध्यक्ष श्री जितेंद्र मसीह गौरव जी, एक्शन कमेटी के संयोजक श्री वलीत मसीह बंटी अजनाला शामिल हुए। सभा में प्रेरित हरजीत संधू जी ने प्रभु का वचन सुनाया। इस अवसर पर श्री जितेंद्र मसीह गौरव जी ने ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के कार्यों के बारे में विस्तार में जानकारी दी और मसीह समुदाय को एक्शन कमेटी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर कमेटी का विस्तार करते हुए जिला पठानकोट टीम का गठन किया गया, जिसमें पास्टर मनीष गिल बांबी को जिला पास्टर विंग का अध्यक्ष और पास्टर निशान खोखर जी को वरिष्ठ उद्धर्षण नियुक्त किया गया। राजनीतिक विंग के अध्यक्ष श्री श्यामल मसीह जी को और इस अवसर पर युवा विंग और महिला विंग का भी गठन किया गया। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा आए हुए अतिथियों का सम्मान भी किया गया। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल जो कि जिला पठानकोट में ग्लोबल एक्शन कमेटी के द्वारा जो कि एक मीटिंग की गई, एक बैठक की गई, जहां पर कई पास्टर शामिल हुए, एक्शन कमेटी की पूरी टीम जो कि परमेश्वर के दास के द्वारा जो कि अंकुर नुलम निष्ठी के द्वारा जो कि परमेश्वर के विजन से जो कि एक्शन कमेटी बनाई गई है, क्योंकि परमेश्वर को पता था आने वाले समय में जो जो काम होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़ का भेद जो अपने दासों के ऊपर खोलता और उस भेद को खोलते उस विजन के जरिए जो कि हमारी अंकुर नुलम निष्ठी में एक्शन ग्लोबल जो कि टीम बनाएगी, कमेटी बनाएगी, उस एक्शन कमेटी की टीम की ओर से जो कि कल पठानकोट जिला में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि वहां पर बैठक की गई, मीटिंग की गई, और मीटिंग के दौरान उन्होंने हमारी जो टीम को जो कि मिनिस्ट्री की एक्शन ग्लोबल कमेटी की टीम का बहुत ज़्यादा सम्मान किया। पठानकोट के लोगों ने बहुत ज़्यादा उनका सम्मान किया, आदर किया, उनको सम्मानित किया, उनका स्वागत किया, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और जैसे कि उस टीम के जो कि हमारे ब्रदर जितेंद्र मसीह गौरव जी, अपोस्टर हरजीत संधू जी पास्टर, और भी कई पास्टर जो कि एक्शन कमेटी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जो कि प्रधान नियुक्त किए गए हैं, इस टीम में नियुक्त की गई है, सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर मीटिंग की। और जैसे कि अपोस्टर हरजीत संधू जी के द्वारा वहाँ पर परमेश्वर के दास के द्वारा वहाँ पर लोगों को वचन दिया गया, और वचन के दौरान प्रेरित किया गया, लोगों को परमेश्वर के वचनों को सुनाया गया और बहुत सारी आशीष बरकत लोगों ने पाई। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मीटिंग के दौरान हमारे जो कि ब्रदर हैं जितेंद्र मसीह गौरव जी, आप लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर की कैसे सेवा करते हैं, हर जगह जहाँ उन्हें बुलाया जाता है वहाँ वो, जहाँ उन्हें इन्विटेशन दिया जाता है वहाँ वो जाकर हमारे जो कि एक्शन ग्लोबल कमेटी की टीम की ओर से, एक्शन ग्लोबल कमेटी की ओर से वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं इस टीम में आने के लिए, इस टीम में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये एक परमेश्वर का दिया हुआ विज़न के द्वारा ये एक टीम बनाई गई है जो कि परमेश्वर के ही काम करने के लिए बनाई गई है, परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए बनाई गई है। और बहुत सारे पास्टर्स वहाँ इस टीम में शामिल हुए, और पठानकोट में जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि पठानकोट में और जो कि नए जो कि प्रधान नए पास्टर जो कि पास्टर निशान खोखर जी और जिनको एक्शन कमेटी ग्लोबल एक्शन कमेटी के प्रधान नियुक्त किए गए, उनको ग्लोबल एक्शन कमेटी में नियुक्त किया गया, शामिल किया गया और परमेश्वर के कामों में उनको शामिल किया गया। हालेलुया। और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि अब जो कि हमारे जो कि स्पिरिचुअल फादर पोस्टर
स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल यूसुफ नोला जी के विज़न को लेकर, जो कि परमेश्वर ने उन्हें विज़न दिया था इस ग्लोबल एक्शन कमेटी का, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोगों की हेल्प के लिए, लोगों की मदद के लिए वो आगे है। हमेशा ही जहाँ कहीं लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, तो हमारे ब्रदर जितेंद्र मसीह गौरव जी और उनकी टीम हमेशा ही उनकी हेल्प के लिए आगे होती है। हालेलुया। और मैं आप लोगों को जैसे कि पंजाबी में भी पढ़कर बताऊँगी कि कल जो कि पठानकोट में ग्लोबल एक्शन कमेटी की ओर से बैठक की गई और कई पास्टर्स को और कई जनों को जो कि इस ग्लोबल एक्शन कमेटी में शामिल किया गया और प्रधान नियुक्त किया गया। हालेलुया। ये हम पहले पंजाबी में भी पढ़ते हैं। कल बीते कल जिला पठानकोट विखे ग्लोबल किचन एक्शन कमेटी की टीम वालों एक मीटिंग की गई, जिस विच एक्शन कमेटी के पास्टर विंग के प्रधान पास्टर हरजीत संधु जी, विंग एक्शन कमेटी के प्रधान श्री जतेंद्र मसीह गौरव जी, एक्शन कमेटी के दो आर्डिकेशन श्री बलैत मसीह बंटी अजनाल जी ने शिरकत की। इस मीटिंग विच पास्टर हरजीत संधु जी वालों प्रभु का वचन सुनाया गया, जिस मौके पर श्री जतेंद्र मसीह गौरव जी वालों ग्लोबल किचन एक्शन कमेटी के कामों का विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, मसीह भाईचारे एक्शन कमेटी न जुड़न लिए प्रेरिया। इस मौके पर कमेटी का विस्तार करद जिला पठानकोट टीम का गठन किया गया, जिस विच पास्टर मनीष गिल बोवी जी ने जिला पास्टर विंग का प्रधान नियुक्त किया गया, पास्टर निशान खोखर जी ने श्री अनमीत प्रदान किया गया, राजनीतिक विंग का प्रधान श्री शामिल मसीह जी ने श्री इस मौके पर यूथ विंग और महिला विंग का भी गठन किया गया। इस मौके पर प्रबंधकों वालों आए हुए मेहमानों भी मानित किया गया। हालेलुया। और जैसे कि आप लोगों ने सुना कि इस पूरे गठन में मीटिंग में सब जो कि मेहमान आए हुए थे, सब हमारे जितेंद्र मसीह गौरव जी पूरी टीम को सम्मानित किया गया, उनका आदर और सम्मान किया गया और पूरी एक्शन कमेटी के काम जो जो एक्शन कमेटी के काम है, जो जो वो काम कर रही है, जो जो लोगों की हेल्प के लिए आगे आ रही है, किस काम के लिए इस टीम को बनाया गया, इस पूरा विस्तार में हमारे ब्रदर जो कि जितेंद्र मसीह गौरव ने लोगों को समझाया कि एक्शन मसीह कमेटी जो कि एक्शन ग्लोबल कमेटी जो कि बनाई गई है वो किस किस काम के लिए आगे आती है, किस किस काम के लिए वो अपना हिस्सा डालती है, और बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ग्लोबल कमेटी का मेंबर बने, एक्शन ग्लोबल कमेटी की टीम में शामिल होकर परमेश्वर की सेवा के लिए वो आगे आए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में आनंदित रहें, खुश रहें, परमेश्वर के कामों को करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। परमेश्वर में आनंदित रहें, खुश रहें, प्रभु के कामों का वर्णन करते रहें और परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेकर जाते रहें। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।